हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे डीसीएम टेस्ट नंबर 22, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले फिजिक्स का पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमेट्री। ये फिजिक्स का आपका 8वां टेस्ट है डीसीएम के थ्रू। तो जेई मेन सेक्शन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक सॉलिड एल्यूमिनियम सिलेंडर है जो उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ओमेगा स्पीड आपको गिवन है। तो ये बोल रहे हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होगा अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ओमेगा का परसेंटेज चेंज कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कोई टॉर्क क्रिएट थोड़ा ना कर रहा है ना। इस वजह से आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। कोई भी सिलेंडर को जब आप ऐसे रोटेट करोगे है ना अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसका जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, उसकी रेडियस पे है ना। तो इसका इनर्शिया आता है हाफ आई हाफ एम आर स्क्वायर, ये आई की वैल्यू होती है। तो आई यानी कि अब देखो हाफ एम आर स्क्वायर यहां लिखोगे ओमेगा, ये हो जाएगा हाफ एम आर डैश का स्क्वायर ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश कितना आ जाएगा इसमें आर अपॉन, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एल अगर कंजर्व है तो इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। ये बोल सकते हैं भाई एल तो कांस्टेंट है ना, भाई एल कांस्टेंट है इसका मतलब एल क्या होता है आई ओमेगा है ना। अब उसमें आई में क्या आता है हाफ एम आर स्क्वायर, एम तो चेंज होगा नहीं, तो इस केस में ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ओमेगा का परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखो पावर आएगी माइनस टू, तो इसका मतलब ओमेगा परसेंटेज इज माइनस टू टाइम्स ऑफ आर परसेंटेज। अब R परसेंटेज, R का परसेंटेज चेंज कैसे लिखोगे, माइनस तो बाहर निकाल लो, R परसेंटेज क्या हो जाएगा अल्फा डेल्टा T इंटू 100% में रेडियस। तो एक लीनियर पैरामीटर है उसके लिए चेंज आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा बेटा इस केस में माइनस टू, अल्फा कितना दिया आपको 25 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू T कितना दिया डेल्टा T पर डिग्री, तो केल्विन में चेंज करो या डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर चेंज सेम आता है इनटू 100 कितना आएगा 50 इनटू 10 पावर माइनस 4 ये परसेंटेज में, तो 5 इनटू 10 पावर माइनस 3, तो ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन हो गया। ओके बेटा, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको बोला है कि स्केल को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि उसकी लेंथ जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन ये स्केल बनाने के लिए आपने दो अलग अलग मटेरियल की रोड्स को काम में लिया है ना। तो ये कंसेप्ट बेसिकली ये कहता है कि आप ये जो दो रोड काम में ले रहे हो उनकी लेंथ कुछ इस तरह से रही होगी, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे ना तो भी वो जो उनकी लेंथ का डिफरेंस है ना वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज जो है आपको वो 10 सेंटीमीटर मेजर करना है, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं डेल्टा एल डैश जो है वो डेल्टा एल के इक्वल है, यानी कि एल टू डैश माइनस एल वन डैश बराबर एल टू माइनस एल वन। ये क्वेश्चन तो आपने काफी बार सॉल्व किया होगा बच्चों, तो इसमें सॉल्व करने पर जो कंडीशन आती है ना, एल टू डैश को आप क्या लिखोगे एल टू वन प्लस अल्फा टू टी, एल वन वन प्लस अल्फा वन टी, ठीक है। और ये सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा कंडीशन क्या आएगी L2 अल्फा 2 बराबर L1 अल्फा 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस को क्रॉस चेक करेंगे तो क्रॉस चेक करने से आपको वैल्यू मिल जाएगी L2 है ना, आप किसी को भी L1 L2 मान लो, सपोज कि ये 1.1 10 पर माइनस 5 और L2 L1 ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो L2 L1 का रेशियो क्या जाएगा आपके पास 17/11, तो 17/11 का रेशियो आ रहा है। तो आप इस रेशियो को अगर चेक करेंगे तो ये रेशियो जो है वो केवल थर्ड ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है भाई, एग्जैक्ट उसी में बन सकता है, बाकी तीन में तो पक्का नहीं बन रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बाकी तीन तो पक्के ही गलत है ना, तो कैलकुलेशन अवॉइड करो यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते अपन थर्ड में, एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर ले बेटा सेकंड वाले का, ठीक है। आगे बढ़ते थर्ड पे,
बच्चों अगला थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें आपको बोला है कि कांस्टेंट गेज थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है, तो कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में हमें पता है प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो पानी के लिए आपने बोला है कि अपन ने इसको कौन से पानी में डुबोया है, अपन ने इसको बर्फ वाले यानी कि आइस कोल्ड वाटर में डुबोया है, तो वी वन बाई वी टू या वी वाटर बाई वी लिक्विड ऐसे कर लेते हैं अपन, दो इक्वेशन बना लो, टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। वाटर का वॉल्यूम कितना आ रहा है इसमें 47.5, लिक्विड का कितना आ रहा है 67, वाटर का कितना आ रहा है, वाटर का हम को पता है 273 होता ही है, और ये कितना आएगा 273 प्लस टी। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर टी का आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके आगे बढ़ते अपन अपने अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने एक रोड को इस तरह से बनाया है कि इसमें दो मटेरियल है, आर तक तो के थर्मल कंडक्टिविटी का, और आर से टू आर तक टू के। तो ये बोल रहे कि इफेक्टिव जो के है वो क्या होगा। तो देखो ऐसे सोचो कि पैरेलल में दो सिस्टम है अपने पास, है ना, ये इसको वन मान लो और इस बाहर वाले को टू मान लो। तो पैरेलल के लिए अपन क्या करते, फिर आप इसका पहले आर इफेक्टिव निकाल लें। पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन आर पी बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। आर का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के, तो ये जाएगा के पैरेलल एरिया इफेक्टिव अपॉन एल, ये हो जाएगा के वन, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। के वन कितना आपके पास, के वन है के, तो के वन को के ही कर दो। के टू कितना है, टू के पाई टू आर स्क्वायर, सॉरी एल आए के ए बाई एल होता है ना, हाँ तो एल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपका के इफेक्टिव कितना हो जाएगा, देखो के इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव भी क्या आएगा, पाई टू आर स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, पाई टू आर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर आपका के इफेक्टिव या के पैरेलल आ जाएगा, के ये कितना जाएगा 6 के बाई 4, तो 7 के बाई 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा 7 के बाई 4। आगे बढ़ते हैं अपन अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक मेटल रॉड दी गई है ना, और आपको टेम्परेचर ऑफ मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना मेटल रॉड जो है वो 2 मीटर की है और एक ही मेटल की बनी हुई, मतलब के तो दोनों का सेम है, तो के अगर दोनों का सेम है तो इस केस में आपको बताना है मिड पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। तो अपन को ये पता है कि टोटल डिफरेंस कितना है, टोटल डिफरेंस तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, तो अब यहां से जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, तो आई टू और आई वन तो सेम होना है, इसका मतलब आई वन इक्वल्स टू आई टू। तो आई वन कितना हो जाएगा, देखो 100, हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाई एल, तो के एरिया है ना, अब इनके एरिया भी जैसे आपको इसी तरह से दिया हुआ है, के ए डेल्टा टी बाई एल, ये कितना हो जाएगा के ए टी -70 बाई वन, एल की वैल्यू 1 है तो इसको से ही कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 -2t बराबर t -70, तो 270 बराबर 3t, t बराबर 90। ठीक है, तो 5 में 3, कोई कंफ्यूजन इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन हमारे सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन बोला है कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसपे सेंटीग्रेड और फेरेनहाइट इक्वल होते हैं। तो देखो इनमें रिलेशन क्या होता है, सी माइनस जीरो पर 100 माइनस 0 बराबर एफ -32 अपॉन 212 -32। अब दोनों को इक्वल करना है तो इसको लिख दो एक्स बाई 100, इसको लिख दो एक्स -32 बाई 180, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट। सॉल्व करने पर आपके पास एक्स आएगा -40, मतलब -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे दोनों स्केल -40 ही रीड करेंगे, चाहे वो सेंटीग्रेड वाला हो तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फेरेनहाइट वाला हुआ तो कौन सा, तो भी -40 डिग्री फेरेनहाइट। ओके,
सेवंथ पे आते हैं अपन। सेवंथ में आपको बोला है कि एक मैक्सिमम वेवलेंथ आपको बताना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी और वेवलेंथ का रिलेशन। हमें देखो पता है कि जो मैक्सिमम इमिशन वेवलेंथ होती है लेमडा एम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ अपना कैसा हो जाएगा? हाइपरबोला, ये विंस लो होता है। ठीक है, तो आपका सेवन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन, आपको 5 सेंटीमीटर थिक आइस ब्लॉक जो है वो सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब 5 सेंटीमीटर मोटी जो है आइस की लेयर बनी हुई है। टेम्परेचर जो है हवा का -10 है, तो कितना टाइम लगेगा इसको डबल होने में? ठीक है, अब आपको यहाँ पे एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है, काफी कुछ डेटा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको जो है वो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उस पर आ जाते हैं अपन। जैसे मान लो ऑलरेडी कोई वाई थिकनेस बन चुकी हो, ठीक है, ऑलरेडी कोई वाई थिकनेस जो है वो आइस की बन चुकी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा हीट फ्लो होगी, मान लो देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी -10 है, इधर 0 है ही सही, है ना भाई, आइस। तो अब इस केस में यहाँ पे जो हीट लॉस होगा, हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग को, क्यों? क्योंकि देखो 0 जो है हाई टेम्परेचर होता है, -10 और कम होता है, इसकी वजह से हीट जाएगी, उसकी वजह से ये पार्ट भी क्या होगा और फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज मैं इसका एरिया मान लेता हूँ ए, ये एक्स्ट्रा थिकनेस मान लेता हूँ डी वाई, जो इस पार्ट के हीट लूज करने की वजह से थिकनेस बढ़ेगी, वो एक्स्ट्रा थिकनेस डी वाई। तो क्या हो जाएगा, डी एम इंटू एल बराबर। अब ये डी वाई थिकनेस बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो जो हीट रिलीज होगी उसी से ही फ्रीज होगा पानी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हीट जो रिलीज कर दी है थिकनेस बनाने के लिए, और वो किसके थ्रू जाएगा, हीट करंट के थ्रू, के ए डेल्टा टी कितना है, 0 -10 बाई लेंथ, लेंथ कितनी है वाई, ठीक है, ये तो आया हीट ट्रांसफर की रेट इनटू टाइम डेल्टा टी, या डीटी टाइम बोल देते इसको, कि डीटी टाइम इसमें लगा होगा। अब देखो डीएम को क्या लिखेंगे अपन, रो किसकी, डेंसिटी, है ना, और रो के बाद आपके पास क्या जाएगा, एरिया इनटू डी वाई एल के ए 10 / y डी टी, ए से कट जाएगा, तो रो एल अपॉन के 10, रो एल अपॉन के 10 है ना, वाई डॉट डी वाई डेल्टा टी। अब यहाँ डी की वैल्यू आप क्या रखोगे बेटा, डी की वैल्यू आप रखोगे 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे ज्यादातर जो डेटा है ना वो सारा आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, सीजीएस यूनिट में, है ना। तो इससे आप यहाँ पे पहले एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने इसको, मान लो इसको अपन डी, इसमें आपको अपन ने क्या वाई माना है ना, तो इसको वाई वन से वाई टू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे डेल्टा टी क्या आएगा इंटीग्रेशन करके सॉल्व करने पे, रो एल अपॉन टू के, अब मैं इसको डेल्टा टी लिख देता फिलहाल, है ना, 2K डेल्टा टी मतलब इतना टेम्परेचर डिफरेंस, और वाई टू स्क्वायर माइनस, ठीक है, रो एल अपॉन 2K डेल्टा टी। अब इसमें जब आप डेटा पुट करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, डेटा पुट करना है, y2 की वैल्यू कितना है डबल करना है, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर, y1 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये डेटा आप यहाँ पुट करें, डेंसिटी देखो आपको दी गई है आइस की कितनी, 0.92 ग्राम पर सीसी, के आपको दिया हुआ है अर्ग में दिया हुआ है, इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद एल की वैल्यू दिए, एल आप पुट करें, उसके बाद जो आंसर आएगा वो सेकेंड्स में आएगा, उसको वापस आर्स में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि आपको देखो ऑप्शन जो है वो आर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये डेटा पुट करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सॉल्व करने पर आपका आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओके। तो 8th का थर्ड ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, एक बार इसको नोट कर लें आप। नाइन्थ में आपको बोला है कि एक आइस बोल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की है 1 किलोमीटर की हाइट से गिरती है ना, और इसकी सारी एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है हीट में, तो कितना फ्रैक्शन ये मेल्ट होगा, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे एम
जो भी उसके पास एमजीएस थी वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हुई, पिघलाने वाली हीट एनर्जी में। तो मान लिया एम डैश पार्ट इसका मेल्ट हुआ होगा, हमने मान लिया इसका एम डैश पार्ट मेल्ट हुआ होगा, तो एम डैश कितना हो जाएगा, एम जी एच बाई एल। ओके, अब यहाँ पे इसको अपन डेटा पुट करेंगे, तो जी की वैल्यू 10 है ना, एम जी एच, एच की वैल्यू कितना है, 1 किलोमीटर, मतलब 10^3 मीटर। और डिवाइड बाय एल, एल यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट जो फ्रीजन की होती है वो कितनी होती है, 80, ये होता है कैलोरी पर ग्राम। तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 4200। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो तो अपन उड़ा दिए, फिर उसके बाद क्या बचेगा अपने पास, 10/8×42। तो अभी बोल रहे कितना फ्रैक्शन जो है वो मेल्ट होगा, ऑब्वियस बात है कुछ फ्रैक्शन ही मेल्ट होगा यहाँ पे, तो ये कटेगा अपने पास 5 और ये 4, तो 5/168। तो 168 को अगर आप 5 से कैंसिल आउट करने की कोशिश भी करोगे तो ये कितनी बार कटेगा, ऑलमोस्ट ये 1/33 टाइम्स। तो 9th का जो आंसर आपका अप्रोक्स बन जाएगा वो बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। अब देखो अप्रोक्सीमेशन ही करना है, बाकी तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि पूरी तो मेल्ट होगी नहीं, ये तो कुछ एक से कम ही फ्रैक्शन आ रहा है। तो इसको अप्रोक्स जो है वो अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको केवल अप्रोक्सीमेटेड ऑप्शन को टिक करना है। 10वें पे आते हैं, 10वें में बोल रहे हैं कि जो सोलर रिलेशन है वो पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होता है। तो अपन को ये पता है किसी पॉइंट सोर्स से जो इंटेंसिटी होती है, भाई वेव तो हर तरफ जाएगी ना, तो किसी भी आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पर इंटेंसिटी कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है। तो होता है पावर, अभी पावर पूरे स्फेरिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो 1/4π d² मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d². तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 11th की। 11th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक 20 ग्राम वाटर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम के पानी में रखा गया है, मतलब कैलोरीमीटर में रखा गया है, 10 ग्राम वाटर 50 का है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। देखो अब क्या क्या है हमारे पास, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर है ना, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है कितना, 20 ग्राम। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, कैलोरीमीटर भी अपने पास 10 ग्राम पानी के इक्वल है, ठीक है। आपके पास 10 ग्राम पानी जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो देखो पहली बात तो ये है कि जो कॉमन टेम्परेचर आता है वो बीच का ही आता है ना, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो है उसके बीच में कोई कॉमन टेम्परेचर आएगा, तो कॉमन टेम्परेचर मान लेता हूँ टी रहा होगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो इसमें आ जाएगा जो हीट इसको रिक्वायर्ड है 20 है ना, 1 ∆T यानी कि T-20, ये तो किसको चाहिए, पानी को। कैलोरीमीटर को कितनी चाहिए, उसका कैलोरीमीटर जो है पानी के 10 ग्राम के इक्वल है, तो पानी का मास ले लो, पानी की हीट ले लो स्पेसिफिक वाली, और वही T-20, मतलब ऐसा हो गया कि टोटल 30 ग्राम पानी गर्म कर रहे हैं, ऐसा हो गया कि 20 ग्राम तो पानी खुद है और 10 ग्राम का कैलोरीमीटर, तो इक्विवेलेंट उसी का हो गया। इधर से कितना पानी था मेरे पास, 50 ग्राम स्पेसिफिक हीट 1, और इधर 50 - T। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 30T-600 बराबर 2500 - 50T, तो 2500 × 6 कितना हो जाएगा, 3180T। तो कितना हो जाएगा, 30310। अब देखो 8 × 32 होता है ना, कि अगर 320 होता 40 आता, उससे थोड़ा सा कम आएगा, तो 40 से कम यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा एप्रोक्स जो है, अच्छा ये 10 ग्राम ही है ना पानी, तो ओके 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 सॉरी सॉरी, ये तो 10 ग्राम ही पानी है, तो यहाँ 10 ही तो आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 500 और इधर भी आ जाएगा 10,
तो इधर कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 1100, तो ये आएगा आपके पास 110/4, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 27.5, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो 11th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन इसमें। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 12th पे। 12th में बोला है कि दो बॉडी जो है उनको एवेक्यूएट चैम्बर में रखा गया है 27 पे, ए और बी के टेम्परेचर आपको दिए, तो उनकी रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, है ना। अब देखो बाकी कुछ डेटा नहीं दिया, तो बाकी सब कुछ सेम मानना है ना। जो डेटा मेंशन नहीं हो दोनों बॉडी से रिलेटेड, तो उन सबको सेम मानना है। तो T4 - T0 4, ये स्टीफन रूल कहता है, स्टीफन बोल्ट्समैन रूल। तो इसके हिसाब से रेट ऑफ हीट लॉस आपको बतानी है। तो PA/PB क्या हो जाएगा, T^4। देखो इसका टेम्परेचर क्या है, 227 + 273, 327 + 273 की पावर 4 - सराउंडिंग कितना है, 27 + 273 की पावर 4, ये है 427 + 273 - सराउंडिंग दोनों का ही सेम है ना, इसलिए ये लिख देंगे अपन। क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें से ना आप 300 को कॉमन ले लो, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, 600 की पावर 4 - 300 की पावर 4, है ना, और ये कितना आएगा, 700 की पावर 4 - 300 की पावर 4, ठीक है। 427 को आप 273 जोड़ो, 700 आ जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं अपना, है ना। तो अब इसमें आपको देखो 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 6 की पावर 4 - 3 की पावर 4, ये बचेगा 7 की पावर 4 - 3 की पावर 4, ठीक है। तो सॉल्व करने पे देखो ये रेशियो जो है ना, वो ऑब्वियसली बात है एक से ज्यादा तो नहीं आएगा, एक से तो कम ही आएगा ना। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये कितना आ रहा है। तो 36 × 36 का स्क्वायर आप करेंगे, ये 81 होता है, सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने पे आंसर अपना अप्रोक्स जो बनेगा वो 0.52 के आसपास बनेगा, ठीक है। अप्रोक्स कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा अप्रोक्स 0.52, ठीक है। ऑप्शन दूर दूर, इसलिए अप्रोक्स कैलकुलेशन ही करनी है। तो आपका 12 का फर्स्ट ऑप्शन, ओके, तो ये सॉल्व करने पे अप्रोक्स 0.52। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे बोला है कि अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, रेट ऑफ इमिशन पूछा आपसे, रेडिएशन बाय बॉडी एट टेम्परेचर टी केल्विन इज ई, तो आपको यहाँ पे ग्राफ बताना है। हमें पता है कि जो रेट ऑफ इमिशन है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T4, वैसे जो पूरा फॉर्मूला आता है वो आता है σA εT4। अपन इसका क्या करते हैं, लॉग ले के देखते हैं पूरी इक्वेशन का। तो लॉग ई क्या हो जाएगा, अब देखो ये सब तो कॉन्स्टेंट है ना, इसको अलग ले, पूरे का एक बार तो लॉग ले लो। तो लॉग σA εT और T^4, मल्टीप्लाई में हो तो लॉग में अलग अलग लिखने में आएंगे, तो लॉग σA εT अलग प्लस लॉग T^4 अलग, है ना। लॉग T^4 फोर आगे जाएगा, तो याद आएगा 4 log T + log σA εT इज लॉग ई। देखेंगे तो ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स, और ये क्या है सी, तो इंटरसेक्ट, और ये क्या है स्लोप एम। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, इसका स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, ओके। बच्चों अगला आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन आपको बोला है कि तीन रोड को आपने इस तरह से अरेंज किया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि जितनी करंट ए से सी और बी में जा रही है ना, उसको I1 मान लेते हैं, और जितनी इधर जा रही है इसको I2 मान लेते हैं। ये दोनों करंट सेम है, गिवन कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस इन दो एंड्स के अक्रॉस लगाया हुआ। तो I1 अगर I2 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो R1 है वो भी R2 के इक्वल होना चाहिए। अब ये R1 क्या है, ये R1 जो है वो तो क्या है अपने पास, सीरीज रेजिस्टेंस पे I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना, वैसे पैरेलल के लिए। तो I1 I2 बराबर, तो R1 R2 बराबर, R1 क्या है, इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या जाएगा, L/K1A, L/K2A, ये हो जाएगा L/K3A। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा K3 = K1, K2 / K1 + K2, कोई कंफ्यूजन इसमें। इसके बाद आएगा 15th क्वेश्चन। 15th
फिफ्टीन क्वेश्चन बात करते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगी इसमें थीटा वन से थीटा टू, और जो थीटा टू है वो ज्यादा है, मतलब इसमें आपको बेसिकली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर आपको इसमें जो है वो करंट निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस देखना चाहें, वैसे आप इसको याद ही रख सकते हो, इसका जो रेजिस्टेंस आता है ना इंटीग्रेशन से आएगा, आप इसको याद रख लें, एल अपॉन के ए। अब एरिया जो आता है वो आता है पाई आर वन आर टू, मतलब वैसे तो आपको दोनों रेडियस, जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो उसके बजाय आप इसको ऐसे याद रख ले कि जो आर स्क्वायर होता है उसकी जगह आर वन आर टू आएगा, है ना। और बेसिक तरीका वही इंटीग्रेशन करके लाने का, तो इसको डायरेक्ट यूज करते हुए अपन बोलेंगे हीट करंट क्या होता है, डेल्टा टी बाई या डेल्टा थीटा बाई आर। डेल्टा थीटा कितना है 100 माइनस 0, आर की वैल्यू यहां डालोगे, एल कितना दिया आपको 1 मीटर, के कितना दिया आपको 1, ऐसा यूनिट 1, पाई आर वन कितना दिया है 1, आर टू कितना दिया है 2, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 200 पाई, ठीक है। तो आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रख लेंगे, इंटीग्रेशन करने में टाइम लगता है बेटा, है ना, और वो टाइम आपके एग्जाम में नहीं होता, तो आप इसको रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखें, है ना, आसान है। मैंने बोला ना सिमिलरिटी क्या है, अगर मान लो यूनिफॉर्म रोड होती, जैसे मान लो इस तरह से यूनिफॉर्म रोड होती, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता, एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, एल अपॉन के ए यानी कि के पाई आर स्क्वायर होता ना। तो यहाँ पे आर दोनों तरफ सेम होता तो दोनों तरफ का आर रख दिया, अब दोनों तरफ आर अलग अलग है तो आर वन आर टू रख देंगे, ओके। बच्चों अगला था हमारा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आपको बोला है कि तीन रोड है ना, सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब आपको इसमें टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताना है, तो देखो यहाँ पे 0 नामे माले तो इसका टेम्परेचर टी रहा होगा, तो करंट जो है वो हाई से लो, मतलब एक तरफ से करंट आएगी हीट करंट आई वन, एक तरफ करंट जाएगी आई टू और आई थ्री। अब केसीएल क्या कहता है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, यानी कि आई वन बराबर आई टू प्लस आई थ्री। आई वन कितना हो जाएगा 90 माइनस टी अपॉन आर, टी माइनस जीरो अपॉन आर, और ये टी माइनस जीरो अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा, तो आपके पास कितना रहेगा 90 बराबर 3t, तो टी कितना रहेगा 30, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं 17 पे। 17 में आपको यहाँ पे 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड गिवन है, पॉइंट ए और डी को मेंटेन किया है सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर 20 और 200 पे, है ना, 200 और 20 पे, तो आपको बी का टेम्परेचर बताना है। तो देखो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर, 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 क्योंकि 6 एक जैसी रॉड है, तो ये तो हो जाएगा आर, इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ टी, तो 200 टी। अब बाकी जो है ना, ये जो बाकी बचा है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा 2R का पैरेलल R, और R वापस 2R हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है 20। अब देखो हीट करंट तो सब में सेम होती है ना सीरीज में, तो इसमें अगर करंट I है तो इसमें भी करंट I रहेगी, यानी कि I1 I2 इक्वल रहेंगे, तो I1 क्या हो जाएगा 200 माइनस T अपॉन R, T माइनस 20 अपॉन 2R, तो कितना हो जाएगा ये 400 माइनस 2t बराबर टी माइनस 20, तो 420 बराबर 3t, टी बराबर 140, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसका आता है 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन आपको बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो आई है, और इसके टेम्परेचर को आप डेल्टा टी अगर चेंज करते हो तो आई में कितना चेंज होगा। देखो सिंपल सी बात है, इनर्शिया जो है वो डिपेंड किस पे करता है, उसकी रेडियस, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लो सिलेंडर जो भी है, मान लो मैं एक स्फेयर मानता हूँ, तो उसका क्या होता है 2/5 mr² होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा आई अपॉन आई। अब देखो गर्म करने से कभी मास चेंज नहीं होता है, गर्म करने से हमेशा क्या चेंज होता है, ठीक है, इसका रेडियस, तो ये होता है 2α δt। फ्रैक्शनल चेंज रेडियस कैसे लिखेंगे, डेल्टा आई अपॉन आई, अब इस आई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2α i δt, ये 18 का थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे इसके अगले सेक्शन पे, फर्स्ट
ये आया आपका सेक्शन बी, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस की। एक आइसोट्रोपिक सॉलिड क्यूब है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग आपको दिया गया है ना। तो ये क्यूब है, अब इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये इसकी वाई एक्सिस हो जाएगी और ये इसकी z एक्सिस हो जाएगी। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दिए गए हैं इस क्यूब के लिए, वो x एक्सिस के अलोंग क्या है, अल्फा 1, इधर तो आएगा अल्फा 1, इधर आएगा अल्फा 2 और इधर भी क्या है अल्फा 2। तो ये बोलते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो कितना होगा, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा कैसे लिखते हैं अपन, अल्फा जो x एक्सिस के अलोंग है प्लस y एक्सिस प्लस z एक्सिस। तो इस केस में z एक्सिस है ना, अब यहां पे आप डेटा पुट करेंगे तो अल्फा x एक्सिस के अलोंग कितना दिया है, 5 × 10⁻¹। y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग सेम दिया हुआ है, कितना, 5 × 10⁻⁶ प्लस 5 × 10⁻⁶। तो सॉल्व करने पे आएगा 6 × 10⁻⁵। तो c की वैल्यू क्या जाएगी, c की वैल्यू जाएगी इसमें, अच्छा माइनस सिक्स के टर्म्स में लिखना है तो इसको लिख दो 60 × 10⁻⁶। तो ये c कांस्टेंट कितना रहेगा, 60। तो इस c की वैल्यू आ रही है मेरे पास 60। पहला क्वेश्चन, दूसरे में आपको यहाँ पे स्क्वायर रॉड है जिनको वेल्ड किया हुआ है, पहले केस में 20 कैलोरी हीट फ्लो होती है और दूसरे केस में 4 मिनट में, है ना, और दूसरे केस में सेम अमाउंट जो है वो कितने टाइम में फ्लो होगा। देखो सिंपल सी बात है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की अगर रोड है ना, तो इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी आर है, इसका आर है तो इसका भी आर है, लेकिन इस केस में जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 2R आएगा, इस केस में कितना आएगा R/2। तो पहले वाले केस में हीट करंट को अगर मैं I1 मानता हूँ, दूसरे वाले केस में अगर I2 मानता हूँ, तो I क्या होता है, हीट फ्लो होने की रेट, ∆Q/ΔT बराबर ∆T/R। तो पहले वाले केस में 20 कैलोरी हीट 4 मिनट में फ्लो होती है, डेल्टा टी उतना ही है R, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरे वाले केस में I2 की अपन बात करते हैं तो ये आ जाएगा ∆Q/ΔT ∆T/R/2। डेल्टा क्यू जो है वो 20 रखना है, टाइम आपसे पूछा गया है, और डेल्टा टी बाई आर कितना होता है, 5, तो 2 × 5 = 10 10। तो डेल्टा टी कितना आएगा इस केस में, 2 मिनट, 2 मिनट लगेंगे दूसरे वाले केस में हीट फ्लो करने में। तो आपका सेकेंड का आंसर आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं, 4 मिनट लगे पहले वाले केस में तो 5 आ गया, ठीक है, बाद वाले केस में आपको R/2, अच्छा यहाँ पे आपको 2R लिखना है ना, ओके, पहले वाले केस का रेजिस्टेंस 2R है, तो 2R मतलब कि ∆T/R कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × जस्ट अ मिनट। तो यहां से ∆T/R की वैल्यू निकाल लेंगे, ∆T/R कितना होगा, 10, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 × ∆T/R। अब देखो 20 डेल्टा टी, 2 × ये कितना है 10, तो इससे डेल्टा टी क्या आएगा मेरे पास, 1। तो पहले वाले केस का रेजिस्टेंस 2R, दूसरे वाले केस का R/2, रेजिस्टेंस पुट करो पहले वाले केस में, उससे ∆T/R की वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पे काम में ले लो सेकेंड केस के लिए। थर्ड में आप बात करेंगे तो थर्ड में क्या हो जाएगा अपने पास, 10 ग्राम वाटर जो है वो 30 पे है, 14 ग्राम आइस जो है -20 पे है, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो -20 °C पे आइस है, तो आइस सबसे पहले 0 की आइस बनाएगी, फिर वाटर बनेगा 0 का, और ये वाटर कितना हो जाएगा इस केस में 30 °C। वाटर कितना दिया है 14 ग्राम और आइस कितनी दी गई है आपको 10 ग्राम। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि फाइनल, देखो इन्होंने वैसे पूछा कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा मिक्सचर में, तो अपन ये मान लेते हैं कि फाइनली 0 °C वाटर रहा होगा। तो पहले तो इस आइस को पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा, 0 तक आना पड़ेगा, तो इसके लिए आएगा एम, एम कितना है 10, आइस की स्पेसिफिक होती है आप एम सी डेल्टा टी लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एम इंटू एल, मैं मान लेता हूँ इसमें से कुछ
पूरी आइस मेल्ट हुई सामान्य मान लिया तो 10 इंटू एटी है ना, एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। इधर से पानी को अपना हीट रिलीज करनी है तो ये कितना है 14 ग्राम है सी, और डेल्टा टी कितना रहा है 30 माइनस जीरो। तो ये पानी अगर पूरा जीरो तक आता है कितनी हीट रिलीज करेगा 420। इसको कितनी चाहिए, इसको चाहिए 100 प्लस 800। क्या हिसाब किताब मैच हुआ क्या? नहीं हुआ ना, मतलब पूरी मेल्ट होने के लिए इसको टोटल 900 कैलोरी चाहिए, मिल कितनी रही केवल 420। इसका मतलब पक्की बात है कि सारी आइस मेल्ट नहीं होगी। तो फिर अपन ये मान लेते हैं कुछ एम डैश हिस्सा मेल्ट हुआ होगा, तो इसको कर दो 80 एम डैश। तो एम डैश कितना हो जाएगा आपका 320 बाई 80 यानी कि 4 ग्राम। अब 4 ग्राम तो एम डैश वो है जो मेल्ट हुआ है, तो फाइनली वाटर कितना बचेगा 14 पहले से था, 4 ये मेल्ट हो गया, तो फाइनली जो पानी बचेगा वो है 18 ग्राम। तो अपना आंसर आ जाएगा, ओके यहाँ थोड़ा मास मैंने उल्टा लिख दिया है, ये पानी 10 ग्राम है और ये 14 ग्राम है, ठीक है। तो 14 की वजह से यहाँ आप 14 लिखोगे, यहाँ आप 10 लिखोगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 140 80 एम डैश, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 300। तो ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 80, तो ये कितना आएगा 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम जो है आइस मेल्ट होगी, 2 ग्राम आइस मेल्ट होगी। तो फाइनली आइस वाटर कितना बचेगा, ये 10 ग्राम तो पहले से था, 10 ग्राम में आपने प्लस 2 और कर दो तो टोटल कितना हो गया 12 ग्राम। तो फाइनली 12 ग्राम जो इसमें आपके पास बचेगा पानी, ठीक है। और 8 ग्राम आइस, अगर वो आइस पूछते तो क्या होता, सॉरी 14 में से 2 ग्राम मेल्ट हो गया तो बचा कितना 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो है वो आइस रहेगी, 12 ग्राम वाटर रहेगा। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि 10 ग्राम स्टीम जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको 70 ग्राम आइस जीरो पे। तो देखो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड 70 ग्राम, ठीक है, वो मान लो वाटर में मेल्ट होगी, तो पहले वाटर जीरो बनाएगी। अब इसने बोले कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा, तो अपन ने क्या करा 10 ग्राम स्टीम ली है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले वो भी तो कंडेंस होके वाटर बनाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो फाइनल मिक्सचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे रहा होगा, ठीक है। तो इसको कितनी चाहिए मेल्ट होने के लिए, 70 × 80 प्लस 70 × 1 × 100 मैं फिर जीरो तक, मान लो मैं मान रहा हूँ कि फाइनल कंडीशन ये है, तो पहले आइस मेल्ट होगी फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इस तरह से। अब देखो ये कितनी हीट रिलीज करेगी, 10 ग्राम है ना, 10 × 540। देखो रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट है ओके, देखो यहाँ पे 10 ग्राम स्टीम है ना, तो मास स्टीम का बहुत कम है, तो इसको देखो केवल मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए 5600, और इधर से रिलीज केवल 5400 हो रही है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि स्टीम पानी जो है वो स्टीम ये कॉमन टेम्परेचर वाटर 100 से भी ज़्यादा रहेगा, मतलब कम रहेगा भाई, ज़्यादा हीट चाहिए ना इसको, ज़्यादा हीट चाहिए तो ज़्यादा हीट तो इसको रिलीज करनी पड़ेगी, तो इसको और ठंडा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टी फाइनल टेम्परेचर रहा होगा, है ना, मैंने मान लिया कि टी इसका फाइनल टेम्परेचर है, तो ये कितना आएगा केवल टी माइनस जीरो, और ये कितना हो जाएगा 10 × 540, पहले मेल्ट होना है फिर उसके बाद 10 × 1 × 100 माइनस टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5600 70 T 5400 प्लस 1000 माइनस 10 T, तो ये कितना हो जाएगा 80 T 6400 और 1600 ये हो जाएगा 800 T बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो 10 आएगा, ओके। तो बस ऐसे चेक करना, आपको मैंने पहले मान लिया था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, लेकिन फिर देखा कि भाई हीट की रिक्वायरमेंट तो इसको ज़्यादा है, तो अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए जितनी हीट चाहिए वो तो फ्री कर ही नहीं पा रहा है,
तो फिर उस केस पे हमने इसकी रिक्वायरमेंट कम की, इसलिए टेम्परेचर को 100 से कम करना पड़ा। ठीक है, तो एक बार शुरुआत एज्यूमिशन से करते हैं, बाद में फिर अपने आप ये क्वेश्चन आगे होता जाएगा। फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ में आपको एक बॉडी जो है वो 2 मिनट तक रूम टेम्परेचर में 30 से रूम टेम्परेचर 30 पे 75 से 65 तक ठंडा होती है। तो देखो 75 से 65 तक ठंडा होने में इसको कितना टाइम लगा, डेल्टा टी कितना दिया आपको 2 मिनट के, और ये क्या करोगे 75 प्लस 65 बाई 2, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर 55 से 45 तक ठंडा होना होगा तो कितना टाइम लगेगा, वही कंसेप्ट 55 प्लस 45 इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये कितना आएगा आपके पास 40 के, और ये कितना आएगा 50 माइनस 30 20 के, ये कितना आ जाएगा रेशियो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप अगर डिवाइड करोगे तो डेल्टा टी बाई 2 बराबर 2s to 1, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा इस केस में 4 मिनट, तो आपका आंसर बन जाएगा 4। आते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिक्स में आपको एक मेटेलिक बार दिया हुआ है जिसको हीट किया हुआ है 0 से 100 तक, कॉफिशियंट इतना है, तो परसेंटेज चेंज लेंथ में क्या होगा, तो लेंथ का जो परसेंटेज चेंज होता है वो होता है अल्फा डेल्टा टी इंटू 100%। अल्फा कितना है मेरे पास, डेल्टा टी कितना है 100 इंटू 100, तो कितना जाएगा 10 पर माइनस 1। अब ये होता है 0.1, 0.1 को अपन लिखेंगे 10 बाई 100, तो ये पी की जगह क्या आ रहा है, पी की जगह आ रहा है 10। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे तो अगला आएगा सेवंथ। सेवंथ में आपको बोल रहे हैं कि एक वॉल्यूम को सॉलिड सॉलिड का वॉल्यूम कम किया 0.6% जब उसको कूल किया जाता है, तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना होगा। देखो हमें पता है कि डेल्टा वी बाई वी कितना होता है, गामा डेल्टा टी। ठीक है, और गामा को अपन लिखते हैं 3 अल्फा डेल्टा टी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये डेल्टा वी परसेंटेज हो जाएगा। कितना है 0.6%, 3 अल्फा डेल्टा टी कितना है 50, और ये 100%, परसेंट से परसेंट कटेगा, तो क्या जाएगा आपके पास अल्फा बराबर 0.6 अपॉन 15, छः बाई 15 10 पर माइनस 4, 4 × 10 पर माइनस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 4। तो ये आपका जेई मेंस वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों, बच्चों आते हैं हम इसके जेई एडवांस वाले पार्ट पे। पहला पैराग्राफ जिसमें आपको एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें क्या किया गया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक बॉल है ना, तो एक बॉल जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 है ना, और सराउंडिंग का भी 20 है, मतलब बॉल जो है वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। आपने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया, तो हमने इसको हीटिंग शुरू की, तो फाइनली क्या हुआ, जब अपन हीट करना शुरू कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बॉल जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और सराउंडिंग का अभी भी 20 है। इस तक तो बढ़ी, इस तक तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर और नहीं बढ़ पा रहा, जबकि आप हीट फिर भी दे रहे हो है ना, और आपकी हीट सप्लाई करने की रेट क्या है, आपकी हीट सप्लाई करने की जो रेट है वो है 20 वाट, तो यहां से जो आपकी पावर इनपुट है वो 20 वाट है, 20 वाट के हीटर के थ्रू आप इसको एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, तो अब इस केस में बोल रहे हैं कि बॉल का मास 1 kg है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके टेम्परेचर बढ़ने की रेट जो है वो कम हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो डिफरेंस भी तो बढ़ेगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो लॉस होना शुरू हो जाएगी एनर्जी, ऑब्जेक्ट सराउंडिंग को रिलीज करना शुरू कर देगा, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे एनर्जी बाहर निकलना शुरू कर देगी, इसलिए फिर उसके पास जो एनर्जी बचेगी खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो थोड़ी कम बचेगी, तो टेम्परेचर कम कम बढ़ेगा फिर, है ना, बढ़ेगा तो सही लेकिन कम कम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की रेट जो है वो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लूज भी कर रहा है एनर्जी को। फिर ये बोल रही है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, और इसकी स्पेसिफिकेट आपको दी गई है, तो आपको बताना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन इस बेसिस पर आपसे पूछे गए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो एनर्जी लॉस रेट क्या है,
देखो हमें पता है कि टी फाइनल कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि जितना आपने इनपुट दिया या जितना लॉस हो रहा है एनर्जी का, या रेडिएशन जो हो रहा है, इसका मतलब रेडिएशन जो हो रहा है एनर्जी का, वो किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल, सॉरी इनपुट पावर के इक्वल, या हीटर की पावर के इक्वल। हीटर ने जितनी एनर्जी सप्लाई की, ऑब्जेक्ट सारी लूज कर रहा है। इस जैसे मान लो कोई आदमी जितना कमाए उतना खर्चा कर दे, तो उसका बैंक बैलेंस थोड़ा ना बढ़ेगा। तो इसने जितनी कमाई की सारी खर्चा कर दी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हीटर की पावर क्या हो जाएगी, 20 जूल पर सेकेंड। तो ये सारी की सारी लॉस में भेज देगा। तो आपका इसका तो आंसर हो जाएगा थर्ड, कि जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो सारी एनर्जी लूज कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये बोल रहे हैं जब टेम्परेचर 30 होगा तो उसकी एनर्जी लॉस रेट क्या होगी। तो देखो हमें पता है कि जो रेडिएशन पावर होती है वो डिपेंड किस पे करती है, कि डेल्टा थीटा। तो हमें पता है कि जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, है ना, पावर ऑफ रेडिएशन के कितना है गया, 50 माइनस 20। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेडिएशन पावर क्या है, 20 वाट, है ना, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट है वो है इतनी। तो 20 डिग्री, ये पूछ रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रेट से एनर्जी लॉस होगा। तो पी, इसको लिख दो के 30 माइनस 20। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो 20 वाट डिवाइड बाई पी के 30 अपॉन के 10, तो कितना हो जाएगा, पी बराबर 20/3, मतलब 1/3 एनर्जी का वो अभी भी लॉस कर रहा है, और बाकी जो 2/3 है ये कौन सी पावर है बेटा, ये रेडिएशन पावर है। मतलब हीटर उसको 20 सप्लाई कर रहा होगा, उसमें से 20/3 वो लूज कर रहा है, और बाकी रिमेनिंग वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के काम में ले रहा है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाद में 30 से बढ़ के 31 भी होगा। जैसे 31 होगा ये लॉस थोड़ा और बढ़ जाएगा। ऐसा करते करते टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन जब 50 हो जाएगा तो सारी एनर्जी वो लूज कर देगा, तो उसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा। ओके बेटा, ये अपना पहला पेसिस काफी ईजी था, आई होप आपने इसको अच्छे से किया होगा। आगे बढ़ते हैं पर अपने सेकेंड पेसिस पे। सेकेंड पेसिस की बात करते हैं, तो इसमें आपको एक बॉडी जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर 330 पे है, हीट कैपेसिटी 2 जूल पर सेकेंड है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और कूलम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वैलिड मानना है। बॉडी जो है वो 38 तक कूल होती है 10 मिनट में, ठीक है। तो अगले 10 मिनट में वो कितना कूल होगी, है ना। तो देखो अपन यहाँ पर अगर देखें कि शुरू के 10 मिनट में अगर उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम हुआ है, तो अगले 10 मिनट में 2 डिग्री से तो कम ही कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ऑब्जेक्ट के ठंडे होने की रेट भी कम होती जाती है। तो 2 डिग्री से कम, यानी कि मेरा आंसर 36 तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, पर बाकी तीन ऑप्शन जो है उससे ज़्यादा के हैं, ठीक है, 36 से 38 के बीच में आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे रूल लगाते हैं, क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, T2 - T1, या इनिशियल ज्यादा है तो T1 - T2 ले देते हैं, कूल हो रहा है ना इसलिए, बाय डेल्टा टी बराबर की T1 + T2/2 -T0। तो देखो T1 कितना था, इनिशियल था 40 38 डेल्टा टी की 40 + 38 डिवाइड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का कितना है 30। फिर ये तो आपकी पहली इक्वेशन, ऐसे आप दूसरी इक्वेशन लिखना चाहोगे तो यहाँ कैसे लिखोगे बेटा, इसमें 38 से मान लो टी हुआ होगा, अच्छा डेल्टा टी हर बार कितना दिया आपको 10 मिनट, तो यहाँ भी 10 लिख दो, 38 + T/2 माइनस का तो कितना हो जाएगा। अब देखो दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 38, सॉरी हाँ 38 - T, 10 से 10 तो कट जाएगा, कैसे के कट जाएगा, इधर कितना आएगा, आएगा 39, तो ये आएगा 9, 38
प्लस टी डिवाइड बाय टू माइनस का 30। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो इधर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 38 माइनस टी 2 × 9 टी -22। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 38 9 माइनस का 90। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अपने पास 8 9 72 का 2, 9 27 और 7 35 +22। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 2 4, 5 2 7 और 3 by 10। तो अपना आंसर हो जाएगा 37.4 या 37.5 अप्रोक्स जो आंसर बनेगा आपका, है ना। 9 27 और सॉरी इसमें 37 जोड़ेंगे ना तो 34 ही तो आएगा है। तो 36.4, तो आपका आंसर बन जाएगा 36.4। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा आप। ठीक है, तो ये इजीली अपना आंसर बन रहा है इसका भी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसमें अगले पार्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन पे, एक बार इसे नोट कर ले। फिर ये बोल रहे हैं कि वापस आप इसको 38 से, जब 38 हो गया तो आपको 40 डिग्री 40 मिनट में, 10 मिनट में वापस 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो आपको कितनी हीट इसको देनी होगी। ठीक है, तो देखो कितनी हीट देनी होगी, पहले तो अपन देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कितनी दी गई है अपन को। देखो इसकी हीट कैपेसिटी दी गई 2 जूल पर सेकेंड, है ना। तो आपको यहाँ पे एम इंटू सी की वैल्यू तो दी गई है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, एम और सी दोनों की वैल्यू। अब आपको ये पूछा है कि जब इसका टेम्परेचर वापस 38 हो गया, आपने इसको वापस 10 मिनट में 40 तक लेके गए, तो कितनी हीट इसमें दी गई होगी, है ना। तो देखो एक तो हीट अगर मान लो लूज नहीं करता है एनर्जी को तो कितनी देनी पड़ती। देखो डेल्टा क्यू, है ना, विदाउट रेडिएशन अगर हम लेते, तो विदाउट रेडिएशन हम कितनी हीट देते इसको, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। एम और सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड थी, और चेंज कितना करना है, 40 माइनस 38, यानी कि 4 जूल, मतलब 4 जूल हीट मुझे देनी पड़ती अगर अगर उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता। लेकिन एनर्जी लॉस भी तो होगा इस दौरान, भाई सराउंडिंग तो 30 पे है ना, तो ऑब्जेक्ट एनर्जी लॉस भी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात आपको 4 से तो ज्यादा देनी ही पड़ेगी एनर्जी। अब देखो मेरे तीनों ऑप्शन जो है वो 4 या उससे कम है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा थर्ड। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे अपन को ये बताना है कि लॉस कितना हुआ होगा, है ना। अगर अपन लॉस भी कैलकुलेट करना चाहें तो देखो लॉस उतना ही तो होगा जितना, जैसे मान लो आप 40 से 38 तक लेके आओ, तो जितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट ने तब लूज करी थी उतनी ही वो 38 से 40 के दौरान भी लूज कर रहा होगा, है ना। भाई सराउंडिंग जो है वो अभी भी 30 पे है, ऑब्जेक्ट 40 से 38 आए, 38 से 40 रहे, रेंज तो वही हुई ना, तो लॉस तो भी वही होगा। और कितना होगा, जितना पहले हुआ था एम सी डेल्टा टी का। तो ये लॉस कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 × 1 का, तो ये कितना, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो टोटल लॉस जो है, मतलब यहाँ पे लॉस उतना ही होगा बेटा जितना वो गेन कर रहा है इस दौरान। ठीक है, तो वापस मतलब ये तो उसको इफेक्टिव चाहिए चाहिए, इतना तो उसका नेट इनपुट चाहिए। तो टोटल आपको कितनी देनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू टोटल कितना हो जाएगा, भाई लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी ना अपन को, 4 + 4 8 जूल। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऐसे भी। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतनी लूज भी कर रहा है इस दौरान, क्योंकि आपकी रेंज फिक्स है 40 से 38 है ना, आपको 38 से 40 के लिए पहले पता था, अब भी पता है। अगला आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम बात करते हैं एमसीक्यू की। पहला है क्लॉक जो है वो कैलिब्रेट की गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पेंडुलम जो है वो थिन ब्रास रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, और जिसका जो अल्फा है रॉड का वो इतना है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर गर्मी के टाइम पे 30 हो जाए और सर्दी के टाइम पे 10 हो जाए तो कितना फर्क पड़ेगा।
तो देखो अब अपन को 8.2 जो है ये तो आ ही रहा है, तो इसको सॉल्व नहीं करना। अपन को खाली ये देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे घड़ी पीछे होती आगे होती। तो देखो इसको सिंपल सा कैसे करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, भाई लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड जब ऑसिलेशन का बढ़ता है तो घड़ी स्लो होती है ना, वॉच स्लो हो जाएगी। तो वॉच स्लो होने का मतलब ये हुआ घड़ी अगर स्लो होगी तो ऑब्वियसली बात है घड़ी के स्लो होने की वजह से उसमें क्या होगा, घड़ी के स्लो होने की वजह से वो घड़ी पीछे चलेगी है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे घड़ी जो है वो पीछे चलेगी। अब ये सॉल्व नहीं करना है कि वो इतनी पीछे चलेगी, ठीक है, सारे ऑप्शन में डेटा वही है ना, तो अपन क्यों सॉल्व करने की मेहनत करें फिर। और दूसरा अगर टेम्परेचर कम करते तो इसका उल्टा कर दो, घड़ी फास्ट चलेगी तो आगे हो जाएगी, तो टेम्परेचर कम करने पे घड़ी जो है वो आगे हो जाएगी। तो 2 और 3 अपना ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके तो इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, खाली लॉजिक ध्यान में रखना है, सॉल्व करोगे तो भी वो आंसर आएगा। ठीक है बच्चों आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला है कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी है रूम टेम्परेचर, जिनके टेम्परेचर टी और टी बी है ना। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट बना देता हूं मैं, ए और बी, टी ए और टी बी। और ये बोल रहे कि ये जो ऑब्जेक्ट इनको एक रूम में रखा गया है जिसकी दीवारें परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है इस तरह से, ठीक है, और इन दीवारों का टेम्परेचर टी है। तो देखो सराउंडिंग टेम्परेचर अगर टी है ना दीवारों का, और टी मतलब जो रूम टेम्परेचर उससे बी का तो कम है और ए का ज्यादा है, तो ये बोल रहे कि कॉमन टेम्परेचर का फाइनली टी होना ही है। तो कॉमन सी बात है कि सराउंडिंग पे दोनों आएंगे सी। अब क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहला बोल रहा है ऑप्शन की ए केवल रेडिएशन इमिट करेगा। देखो चाहे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो सराउंडिंग से, दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है। हाँ अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रिलीज कम करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे ए का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा और कम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। लेकिन बी क्या बी क्या कर रहा है, बी जो है वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा होगा, इसके लिए एब्जॉर्ब वाला पार्ट ज्यादा है, रिलीज ये भी कर रहा है लेकिन ये रिलीज का थोड़ी कम करेगा है ना, इससे एनर्जी बाहर कम जाएगी क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है ना, ज्यादा तो बाहर ये भेज नहीं सकता है। तो इस तरह से तो ध्यान रखना हमेशा कि ए के लिए बाहर जाने वाली एनर्जी ज्यादा होगी और बी के लिए अंदर आने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन को कौन सेटिस्फाई करता है, तो ये बोल रहे हैं कि ए तो खाली इमिट करेगा, गलत। दोनों ये बोल रहे हैं ए लूज मोर हीट, सही बात है, रेडिएशन ज्यादा तेज हो रहा है इसलिए लूज ज्यादा करेगा। बी एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, तो बी ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू किससे, कि जितना वो रिलीज कर रहा है, सही बात है। फिर ए एंड बी एब्जॉर्ब रेडिएशन बट डू नॉट इमिट, ये गलत है कि दोनों एक साथ, ये बोल रहे कि केवल दोनों एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को, तो ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो फिर कॉमन तो आ ही नहीं सकता ना। और दूसरी बात तो इसीलिए गलत हो गई, बोल रहे कि हमेशा एब्जॉर्ब ही करेगा, ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है ना। फिर ये बोल रहे कि इच ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन इवन आफ्टर अटेनिंग टेम्परेचर टी, ये बात सही है कि जब सराउंडिंग टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाएगा, मतलब जब ए और बी का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा तो भी वो एनर्जी एक्सचेंज करते रहेंगे। हाँ फिर उस केस में क्या होगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही इमिट भी करेगा। ओके बेटा ये आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है ए बुलेट ऑफ मास, थर्ड क्वेश्चन, बुलेट जो है उसका मास कितना है, 50 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है इनिशियली रूम टेम्परेचर पे 20 पे, फायर की गई है वर्टिकल अपवर्ड वेलोसिटी दिस, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, लंप ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बेडेड इन इट, एज्यूम दैट ऑल ऑफ द एनर्जी ऑफ बुलेट इज यूज्ड अप इन मेल्टिंग, नेगलेक्ट द फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो आपको बताना है कितनी एनर्जी ये, ठीक है, तो ये बोल रहे कि एनर्जी ऑफ बुलेट मेल्टिंग में कितनी आएगी, मास ऑफ कितनी आइस मेल्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बुलेट के पास एनर्जी कितनी है ना।
तो इसने इसको आपने टी टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, ऊपर की तरफ फायर कर दिया है। देखो ऊपर की तरफ आपने अगर बुलेट फायर भी कर दी है ना, स्पीड कितनी रखी है 200, तो वापस वो नीचे आता तो उतनी स्पीड से आएगी ना, ठीक है। अब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी, बुलेट के पास इनिशियली है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 m कितना है 50 ग्राम, तो 10^-3, और उसके बाद v कितना है 200, यानी कि 2 × 10^2 का स्क्वायर, तो 50 × 4/2 × 10^1, 50 × 4/2 × 10^1, तो ये हो जाएगा 25,400 1,000 joule, 1,000 joule तो एनर्जी बुलेट के पास है। अब ये बोल रहे कितनी आइस मेल्ट होगी, तो पहले तो देखते हैं कि इसने जब ये खुद आइस मान लो m ग्राम मेल्ट हुई होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो उससे मुझे वाटर बनाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है, मेल्ट करवाने के लिए। और इधर ये बुलेट ऑलरेडी कहाँ पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये भी जीरो तक आएगी है ना, तो ये भी कहाँ पे आएगी, बुलेट जीरो की बनेगी ना, हालांकि बुलेट मेल्ट नहीं होगी, लेकिन तो इसको मुझे मेल्ट करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, m इंटू l, ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगी। देखो एक तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है ना, तो एक तो ये एम सी डेल्टा टी लूज करेगा, प्लस इसके पास जो इनिशियल 1/2 mv² है वो भी तो काम आएगी मेल्ट करवाने में। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, देखो इसमें अब आपको ये m तो बुलेट का है ना, ये m जो है वो बुलेट का है, तो अब इसमें अपन डेटा यहाँ पुट करेंगे, तो देखो मास ऑफ वाटर तो आइस तो आपसे पूछा गया है जो मेल्ट होगा, लेटेंट हीट कितना दिया है 3.36 × 10^5, एम सी डेल्टा टी आपको बुलेट का मास दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है, यूनिट से चेक करोगे इसका था स्पेसिफिक हीट ही है ना, तो ये हो जाएगा m कितना 850 × 10^-3 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया मैंने, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 800, डेल्टा टी कितना हो जाएगा इस केस में, डेल्टा टी हो जाएगा 20, और इसके पास ये कितनी है 1000 joule काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे है ना, तो आपके पास आ जाएगा m कितना आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 × 2 = 16, 16 × 85 = 800, तो ये आएगा 800 + 1000। अब L, अब देखो L कितना दिया इन्होंने, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट उन्होंने दिए 3.6 × 10^5, उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 3.36 × 10^5, तो ये हो जाएगा 1800 × 10^2, 3.36 × 10^5, तो ये आ जाएगा 18.3.36 × 10^-3। अब ये m डैश सॉल्व करने पे कितना आएगा, 18/4 होता है ना, देखो 18 3 होता तो 6 आता है ना, 3 आता तो 3 होता, ये नीचे 3.36 तो 6 आता, लेकिन 6 से तो कम आएगा, ठीक है। अब ये 5 आएगा क्या भाई, 5 आने के लिए अगर मैं 3.36 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखते हैं कितना आता है, 5 × 30 = 15, 3 = 18, ठीक है, 5 × 30 = 30 × 5 × 15 = 18, 1 × 5 × 15 = 16, ठीक है, तो 16.80 बनता है ना, मतलब अगर यहाँ पे 16.80 होता तो 5 आता, बट ये वैल्यू जाएगी वो 5 point something ऐसा आएगी, मतलब ये आंसर क्या आएगा मेरे पास 5 से ज्यादा ही आएगा, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा इसका, देखो अब इसके ऑप्शंस पे अगर अपन आते हैं, तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो
काइनेटिक एनर्जी है वो तो कितनी है, 1000। आइस जो मेल्ट होगी वो कितनी है, 5 ग्राम से ज्यादा ही आएगी ना। तो इसमें जो एनर्जी यूज हुई मेल्ट में वो कितनी है, एनर्जी तो देखो 1000, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है प्लस उसमें जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आया वो भी तो है। तो मास जो आइस का मेल्ट होगा तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, और एनर्जी जो बुलेट की यूज करी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी तो कन्वर्ट होगी ना उसमें मेल्टिंग की प्रोसेस में, तो ये भी अपने 1000 जूल जो है वो काम आ जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है वो। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर इसका बनेगा, नोट करें एक बार। बच्चों आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला कि 50 ग्राम की बुलेट है जिसकी हीट कैपेसिटी इतनी दी हुई है ना, और इसका इनिशियल टेम्परेचर इतना है। ये बोल रहे हैं कि बुलेट को आपने 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया, स्टार्टिंग पॉइंट तक आने पे ये अपनी सारी एनर्जी जो है वो किसको देती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बुलेट को देती है, आइस को देती है। तो बोलते हैं कितनी आइस मेल्ट होगी, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv², ठीक है। अब इस केस में बुलेट जब आएगी वापस यहाँ पे, तो ये अपनी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास वो सारी की सारी आइस ब्लॉक को ट्रांसफर कर देगी। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m कितना है, 50 × 10⁻³, और v कितना है इसका, 200 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे आएगा 1000 जूल। मतलब ये इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इस एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, एनर्जी में टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट सॉरी कितनी हीट इसमें आएगी, मतलब कितनी आइस मेल्ट होगी। तो m कैसे निकालेंगे अपन, K/L, K कितना दिया आपको, K दिया है 1000, 1000 के बाद L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ आपको ये रहा 3.36 × 10⁵। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 10/3.36 × 10⁻³ kg में, जो कि 5 kg से 5 ग्राम से कम आएगा, तो less than 5 ग्राम, और एनर्जी जो बुलेट की यूज होगी काइनेटिक एनर्जी वो 1000 जूल, ठीक है। तो ये अब तक थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं अपने हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 स्फीयर दिए हुए ए और बी सेम रेडियस के, इनकी हीट कैपेसिटी ए है, ए की बी से ज्यादा है, ठीक है। तो सेम रेडियस के स्फीयर है 2 ए और बी, बट हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है, ठीक है। सरफेस ऑफ बोथ आर पेंटेड ब्लैक, दोनों की सरफेस को अपन ने काला कर दिया है ना, और सेम टेम्परेचर पे अपन ने इसको जो है वो लेके गए, तो इनका टेम्परेचर भी सेम है, तो अपन ने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। देखो सरफेस को ब्लैक पेंट करने का मतलब ये हुआ, और इनिशियल टेम्परेचर सेम करने का मतलब ये हुआ कि सरफेस का नेचर सेम हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, तो रेडिएशन पावर क्या होगी, रेडिएशन पावर हो जाएगी सिग्मा ए एप्सिलॉन टी 4, ठीक है। तो अब इसमें ठंडा कौन जल्दी होगा, तो ऑब्वियसली बात है जब आपने दोनों को यहां पे सेम टेम्परेचर तक गर्म किया हुआ, सेम रेडियस है ना, लेकिन ए की हीट कैपेसिटी जो है वो बी से ज्यादा है, मतलब एम इंटू सी की वैल्यू जो ए के लिए है वो एम इंटू सी फॉर बी से ज्यादा है, और उनको अपन ने फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो अब ये पूछ रहे कि कौन जल्दी ठंडा होगा, ए जल्दी ठंडा होगा या बी जल्दी ठंडा होगा। तो देखो ए की हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर मान लो उनकी एनर्जी रेडिएशन रेट सेम भी रही है ना, तो देखो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसको ज्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने में, या ज्यादा हीट निकलेगी तब जाकर के ये ए ठंडा होगा, मतलब ए को तो बहुत देर तक हीट निकालनी पड़ेगी थोड़ा सा ही ठंडा होने के लिए। तो ठंडा तेजी से कौन होगा, ठंडा तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, हीट कैपेसिटी कम होने वाले ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडे भी होते हैं जल्दी गर्म भी होते हैं, तो बी जो है वो ए की कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी कम है, ठीक है। अब इनकी रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो, देखो रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो अगर हम बताना चाहें तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है, पावर बाय एम इंटू सी।
तो यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग का जो रेशियो आएगा वो रेशियो देखो यहाँ पे क्या आएगा, रेट किसी भी टेम्परेचर पे ना, एट ए गिवन टेम्परेचर देखो रेडिएशन पावर तो उनकी सेम ही है, तो रेट ऑफ कूलिंग फॉर ए या रेट ऑफ कूलिंग फॉर बी, ये रेशियो क्या जाएगा, पावर ऑफ ए अपॉन एम इंटू सी, पावर ऑफ ए बी अपॉन एम इंटू सी, बी के लिए और ये ए के लिए, ठीक है, या रेडिएशन पावर लिख देते हैं इसको। तब देखो ये जो रेशियो है वो तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि पावर ऑफ रेडिएशन दोनों के सेम है, एम और सी का रेशियो जो भी है वो फिक्स है ना, तो ये रेशियो भी आपका सेम आएगा। क्या दोनों सेम रेट से ठंडे होंगे? नहीं, देखो पावर ऑफ रेडिएशन सेम है बट एम और सी तो अलग अलग है ना, एम सी तो अलग अलग है, तो सेम रेट से नहीं ठंडे होंगे, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ का। आगे बढ़ते अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कंपोजिट ब्लैक ब्लॉक जो है वो इस तरह का है, इसको आपने डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी के मटेरियल से बनाया हुआ है, सारी स्लेब की विड्थ सेम है, ठीक है। तो ए और इसमें अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देखो ए जो है इसको ऐसे समझते हैं कि एक रेजिस्टेंस है ए, फिर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है बी सी और डी, और ये रेजिस्टेंस है ई। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो जो हीट फ्लो रेट है वो ए और ई से सेम होगी, बिल्कुल सही बात है, ए और ई तो सीरीज में है ना, तो इनसे हीट फ्लो रेट जो है वो सेम होनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं ई में हीट फ्लो रेट मैक्सिमम है, ठीक है। तो ए और देखो जितने भी हीट सर्किट में फ्लो हुई होगी वो ई के थ्रू तो बहेगी बहेगी, इसका मतलब ई में मैक्सिमम होना ही है, तो देखो इस केस में यहाँ पे अपन देखते हैं हीट फ्लो रेट्स ए और अपन को इसमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए अगर बात करनी है, तो फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बार इसको रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, आर ए कितना हो जाएगा, के इसका के इतना होता है, एल एल ये लेंथ और एरिया, अब इनकी थिकनेस को अगर मैं सेम मान लूँ तो इसकी जो एरिया आएगा वो आएगा 4L इंटू टी, टी में इस थिकनेस को मान रहा हूँ पीछे की तरफ जो मतलब जो इस तरफ है ना, तो ये आ गया अपने पास। इसी तरह से आर बी क्या हो जाएगा, तो इसको अगर मैं एल से एल काट दूं तो ये आ जाएगा 1/8 KT, ठीक है। फिर इस तरह से आर बी आएगा मेरे पास 1/3 K 4L, ये कितना आएगा, एल इंटू टी, तो आएगा 4/3 KT। इसी तरह से आर सी कितना रहेगा, 1/4 K 4L/2L(T), ये कितना रहेगा मेरे पास, L/2 KT। ठीक है, आर सी आ जाएगा मेरे पास 1/2 KT, और आर डी कितना आ जाएगा मेरे पास, आर डी आएगा 1/5 K 4L/ ये कितना आ जाएगा, L(T), तो आ जाएगा 4/5 KT, और ई का रेजिस्टेंस क्या आएगा मेरे पास, ई का रेजिस्टेंस आएगा मेरे पास 1/6 K L/4L(T), तो ये कितना रहेगा 1/24 KT। अब देखो 1/KT को अगर मैं तो यहाँ पे आर ए 1/KT को सपोज अगर मैं R मान लेता हूँ, R बराबर 1/KT मानता हूँ, तो ये कितना आएगा, R/8 4R/3 R/2 4R/5, और ये कितना आएगा R/24।
ठीक है। अब देखो बी सी और डी कौन से कॉम्बिनेशन में पैरेलल, तो इसका इफेक्टिव क्या जाएगा मेरे पास, देखो ये आएगा 3/4R + 2/R + 4/5R बराबर 1/R, ठीक है पैरेलल वाला। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, उल्टा लिख देना मैंने इसको, इसको लिखना अपन को 4R, तो 4R एलसीएम आएगा, तो 3, 8 और 5, आर पैरेलल कितना, 8 5 13 3 16, तो ये हो जाएगा 16/4R, तो आर पैरेलल आएगा मेरे पास R/4। तो देखो अब ये कितना है, ये है R/8, ये कितना है R/4, और ये कितना है R/24, ठीक है। अब इस केस में देखो R/24 सबसे कम है ना, तो जो रेजिस्टेंस सबसे कम है उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी सबसे कम होगा, तो E के सिरों पर, E के जो एंड्स उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम आएगा, ये सही बात है। फिर C से जो हीट फ्लो आएगा वो B और D की हीट फ्लो के बराबर होगा, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर C से जो हीट फ्लो होगा, C का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, C का रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे पास R/2। बी ओ डी का इफेक्टिव अगर निकाले तो बी ओ डी का इफेक्टिव कितना आएगा, एक बार बी ओ डी का इफेक्टिव निकालता हूँ केवल, आर बी ओ डी, तो ये आएगा 3/4R + 5/4R। तो देखो ये देखना है कि जो बी ओ डी का इफेक्टिव है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। इसका मतलब बी ओ डी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस सी के बराबर ही है, तो जितनी बी ओ डी में से करंट जाएगी मिला के उतनी ही सी में से भी जाएगी, तो आपका ये 4 सही है ना। और हीट फ्लो रेट जो है वो ई में से मैक्सिमम है, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी ई में है उतनी ही ए में है, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये पांचवा क्वेश्चन हुआ आपका 1, 3, 4 करेक्ट। आगे बढ़ते अपन सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपको बोला हुआ है कि जब टेम्परेचर ऑफ कॉपर कॉइन जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं तो उसका डायमीटर जो 2% बढ़ता है, तो डायमीटर यानी कि डेल्टा डी बाई डी कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अभी बोलते हैं कि एरिया में कितना बढ़ेगा है ना, और उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो देखो डायमीटर जो है वो अल्फा पे डिपेंड करता है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया का चेंज डिपेंड करता है बीटा पे, बीटा की मतलब क्या हो जाएगा 2 अल्फा। तो जितना डायमीटर का चेंज आएगा उसका डबल किस में आएगा, एरिया में, तो डबल यानी कि 0.2% का डबल 0.4%। और वॉल्यूम में कितना आएगा, देखो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, गामा पे, गामा का मतलब क्या हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 अल्फा का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.6%, ठीक है। तो 6 का हो जाएगा अपने पास फर्स्ट और थर्ड। इसमें बोल रहे हैं कि दो अनिक्वल डायमीटर के होल्स हैं एक मेटल शीट में, तो जब शीट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो हमेशा याद रखना जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हो तो उसका एक्सपेंशन हमेशा फोटोग्राफिक जूम की तरह होता है, मतलब जितनी भी लीनियर डायमेंशन है वो सेम रेशियो में इंक्रीज होती है ना, तो रेशियो ऑफ डायमेंशन हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब डी वन और डी टू जितनी भी लीनियर डायमेंशन हो सारी इंक्रीज होगी, डी वन डी टू जो है वो इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज होंगे सही बात है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से जाएगा, केवल एक कि डी वन डी टू दोनों ही इंक्रीज होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे डी वन डी टू, डी वन डी टू का डिफरेंस, डी वन डी टू का एडिशन सब इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें टेम्परेचर ड्रॉप थ्रू टू लेयर ऑफ फर्नेस वॉल इज 900 है ना, इच लेयर हैज इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इंटरफेस के टेम्परेचर अभी इंटरफेस का जो टेम्परेचर थीटा है उसको आप घटाना चाह रहे हो, तो देखो जितना टेम्परेचर ड्रॉप यहां होगा डेल्टा टी वन और ये डेल्टा टी टू, तो थीटा 100,000 - थीटा यही क्या होगा डेल्टा टी वन, तो डेल्टा टी वन कितना हो जाएगा 1000 - थीटा। अब आपको अगर मान लो इस थीटा को कम करना, देखो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 - डेल्टा टी वन, तो अगर मुझे थीटा को कम करना है तो
मुझे डेल्टा टी वन को बढ़ाना पड़ेगा। डेल्टा टी वन तो इसका मतलब थीटा कम करने के लिए आपको डेल्टा टी वन बढ़ाना पड़ेगा। डेल्टा टी वन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस मैं आर वन मान लेता हूँ, तो वो आर वन को बढ़ाना पड़ेगा। अब आर क्या होता है, आर होता है वन अपॉन के एल अपॉन के बाई ए। तो आर बढ़ाने के लिए आपके पास तरीके क्या क्या है, या तो आप क्या करोगे के को कम करोगे, या आप क्या करोगे लेंथ को बढ़ा दोगे। तो आप इसमें ये करोगे है ना। अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप डेल्टा टी वन को बढ़ाना चाह रहे हो तो एक्चुअली आप डेल्टा टी को टी टू को कम भी तो कर रहे हो है ना। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जो है डेल्टा टी टू को कम करो, डेल्टा टी टू को कम करना मतलब आर टू को कम करना। ठीक है, आर टू को कम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आर टू को कम करने के लिए देखो ये आपको क्या करना पड़ेगा के टू को बढ़ाना पड़ेगा और एल टू को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, बाय इंक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आउटर लेयर। आउटर मतलब कि ये आउटर लेयर जो है वो तो ये है ना, तो आउटर लेयर की थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाकर, सही बात है, इनर की थर्मल कंडक्टिविटी को घटाकर नहीं, इनर की थर्मल कंडक्टिविटी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इनर लेयर ये है। फिर डिक्रीजिंग थिकनेस ऑफ आउटर लेयर, आउटर लेयर की थिकनेस, आउटर मतलब कि ये टी टू की बात कर रहे हैं, तो एल टू को तो आप घटाना है और अंदर वाले की थिकनेस को बढ़ाना, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा, एट्थ का। ओके, आगे बढ़ते फिर हम आते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 50% बढ़ा रहे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर 2 के एम। तो 50% बढ़ाना मतलब पी डैश कितना हो जाएगा, 3 पी बाई 2। तो आपके पास के डैश क्या हो जाएगा, पी डैश स्क्वायर अपॉन 2 एम, 3 पी बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 एम, यानी कि 9 बाई 4 पी स्क्वायर बाई 2 एम। तो डेल्टा के कितना हो जाएगा, 5 बाई 4 के, 5 बाई 4 के यानी कि 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ओके, उसके बाद आएगा आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक होलो स्फीयर और होलो क्यूब है जिनको सेम मेटल से बनाया गया है, दोनों के सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, तो होलो स्फीयर और होलो क्यूब है, अब इनके सरफेस एरिया सेम है, नेग्लिजिबल थिकनेस है, इनको गर्म पानी से भर दिया अपन ने ना, सेम टेम्परेचर प्लेस इन एनक्लोजर। ठीक है, तो आपने इसमें पानी भर दिया। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम सेम होता, अगर वॉल्यूम सेम होता तो फिर सरफेस एरिया मिनिमम किसका आता है, स्फेयर का, है ना, मतलब क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा होता अगर वॉल्यूम सेम होता तो। लेकिन यहाँ क्यूब का और स्फेयर का सेम सरफेस एरिया है, मतलब वो भी सी बात है, आपने इसका वॉल्यूम बढ़ाया होगा। तो अगर एरिया स्फेयर का क्यूब के सेम है तो पक्की बात है जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है वो ज्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, क्योंकि सेम वॉल्यूम अगर होता तो स्फेयर का एरिया कम होता है ना। ये कंसेप्ट आप कहाँ से समझ सकते हैं, सरफेस टेंशन, जैसे कि जो ड्रॉप होती है वो हमेशा स्फेरिकल शेप बनाती है क्योंकि उसको एरिया मिनिमम करना होता है। तो वॉल्यूम इक्वल होने पे एरिया कम आता है स्फेयर का, यहाँ एरिया बराबर है मतलब स्फेयर का वॉल्यूम ज्यादा है। तो इससे मतलब पानी किस में ज्यादा है, पानी ज्यादा है इसमें, मतलब कि ए वाले केस में मास ऑफ वाटर और बी वाले केस में मास ऑफ वाटर ए का ज्यादा है। अब ये बोल रहे हैं कि दे आर फिल्ड विद वार्म वाटर एट सेम टेम्परेचर प्लेस इन इनक्लोजर ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो देन इन द बिगिनिंग, तो शुरुआत में देखो एरिया सेम होने की वजह से अब पावर जो रेडिएशन की होती है सिग्मा ए एप्सिलॉन टी फोर माइनस टी नॉट फोर, ये डिफरेंस जो है वो तो सेम ही आ रहा है ना शुरुआत का, तो शुरुआत की रेट ऑफ रेडिएशन जो है वो सबके लिए सेम होगी। तो एनर्जी लॉस्ट बाय स्फेयर और क्यूब वो इक्वल होगी, लेकिन टेम्परेचर किसका जल्दी गिरेगा, देखो टेम्परेचर उसका जल्दी गिरेगा जिसका मास क्या होगा, कम होगा, मास कम होगा तो पावर जो है पावर अपॉन एम इंटू सी, ये होता है रेट ऑफ कूलिंग। अब वॉल्यूम जिसका ज्यादा उसमें पानी का मास भी ज्यादा है, इसका मतलब मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग जो है वो ए की कम है बी से, तो इसके मतलब
फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्फेयर इज लेस देन फॉल ऑफ क्यूब, तो स्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा धीरे गिरेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3 और 4। ओके बच्चों आते हैं हमारे सेक्शन सी पे। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है इतना है और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो इतना है, तो आपको बताना है कि अपेरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है। तो देखो हमें पता है गामा अपेरेंट क्या होता है, गामा रियल माइनस का 3 अल्फा। रियल गामा कितना है इसको आप ऐसे लिखो, और देखो पावर माइनस 5 के टर्म्स में लाना है ना, तो इसको माइनस 5 पावर करो, तो इसको लिखो 59.7 × 10⁻¹⁵। 3 अल्फा कितने लिखोगे, ये 5 जीरो छोड़ दो, तो याद आएगा 9 × 10⁻¹⁹ × 9 × 10⁻¹⁵। तो ये कितना आ जाएगा 59.7 × 10⁻¹⁵ − 2.7 × 10⁻¹⁵। तो ये 59.7 × 2.7 गया तो 57 × 10⁻¹⁵। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 57 × 10⁻¹⁵। तो आपको यहाँ पे n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 57। फिर आता है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो आइडेंटिकल कैलोरीमीटर ए और बी उनमें इक्वल क्वांटिटी का वाटर है ना, इफ 5 ग्राम पीस ऑफ मेटल एक्स ऑफ स्पेसिफिक हीट दिस इज ड्रॉप्ड इनटू ए एंड 5 ग्राम मेटल ऑफ वाई उसको बी में डाल दिया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है वो ए का 27 और बी का 23 है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो मेटल का 40 है, तो आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाई बताना है कितना होगा। ठीक है तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कैलोरीमीटर तो इक्वल है ना, उसमें इक्वल पानी भरा हुआ आपने, ठीक है, तो मान लेता हूँ कि एम तो वाटर का मास है ना, फिर सी वाटर की हीट, डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आया 22, 20 से 22 तक गया ना, तो 20 22 − 20। इसी तरह से मास ऑफ कैलोरीमीटर सी ऑफ कैलोरीमीटर इंटू 22 − 20, और ये कौन था x, सी एक्स इंटू 40 − 22। ठीक है भाई, हीट एक्सचेंज ऐसे होगा, जो इस x रिलीज करेगा उसको वाटर और कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये कितना आएगा 2। अब मास ऑफ वाटर सी 1 दिया हुआ है, मास ऑफ कैलोरीमीटर है ना, अब आइडेंटिकल कैलोरीमीटर में इक्वल क्वांटिटी का वाटर, लेकिन कितना वाटर है ये नहीं बताया आपको, ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पे क्या रख दोगे आप, तो इसको m इंटू सी वाटर एन सी सी सी, एम एक्स कितना है 5 ग्राम, सी एक्स कितना है, x के लिए आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.2, और ये कितना है 18, पहले इक्वेशन तो ये। दूसरे वाले केस में क्या करा है कि आपने जो y डाला तो y के लिए फिर कॉमन टेम्परेचर क्या आया, मास ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर सी ऑफ कैलोरीमीटर, इसमें कॉमन टेम्परेचर आ रहा है 23, तो 23 यानी कि 20 से 23 तक तो ये सिस्टम गया, 5 ये सी वाई, और इधर कितना आ जाएगा, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 40 था, तो 40 − 23 यानी कि 17, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे। अभी देखो दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करोगे तो बाई 1/2 क्या आया आपके पास 2/3, और इधर आएगा 18, और इधर आ जाएगा 5 CY 17, तो सी वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 18 × 3 = 54, और 54 और ये तो जाएगा 17 × 85 × 2, तो ऊपर आएगा 27/85, तो आपका आंसर क्या आएगा, पी की वैल्यू 27, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 27, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है फिर उसके बाद दूसरा के बाद तीसरा आता है, तीसरे क्वेश्चन में आपको बोला है बच्चों देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि दो आइडेंटिकल कंटेनर है, इसमें एक में आपने पानी भरा हुआ, एक में आपने बर्फ भरी हुई, ठीक है, तो 100 °C का पानी 0 °C, पहले आपने दो रोड को ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, फिर दूसरे केस में आपने इन्हीं दो कंटेनर से दो रोड को सीरीज में जोड़ दिया,
है ना, उन दोनों रोड्स को आपने क्या करा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है ऐसे। अब वो बोलने कि पहले वाले केस में जो हीट फ्लो होने की रेट थी वो थी, है ना, तो टू आइडेंटिकल रोड है ना, आइडेंटिकल रोड मतलब उनके रेजिस्टेंस सेम होंगे, तो पहले वाले केस में जो रेट आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा टी बाई आर बाई टू, और बाद वाली रेट क्यू टू क्या आएगी, डेल्टा टी अपॉन टू आर। तो अच्छा, ये तो हीट फ्लोने की रेट है ना, ये तो हीट फ्लोने की रेट है आई वन और आई टू। अब जो हीट फ्लोने की रेट है वो क्या करेगा, हीट जो रेट फ्लो हो रही है वही आइस को मेल्ट करवाएगी, तो एम इंटू एल डिवाइड बाई टी, है ना, और ये हो जाएगी एम एल डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है भाई, यही तो आपको आइस मेल्ट करवाएगी, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ आइस मेल्टिंग है वो क्या हो जाएगा, तो क्यू वन, इस रेट को अपन क्या बोल रहे हैं क्यू वन, और इस रेट को अपन क्या बोल रहे हैं क्यू टू, तो क्यू वन क्यू टू का रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू वन बाई क्यू टू इज फोर एस टू वन, तो फोर एस टू वन आएगा, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर, आपका इसका आंसर हो जाएगा फोर। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोला कि दो स्फेरिकल स्टार जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहे हैं, रेडियस ए की 400 गुना है बी की, और ए जो है वो 4 टाइम्स पावर इमिट कर रहा है, तो पीक वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो अपन इसका टेम्परेचर रेशियो निकाल दें, पावर ऑफ ए पावर ऑफ बी, है ना, स्फेरिकल स्टार जो है वो इनकी रेडियस, देखो पावर का फॉर्मूला था सिग्मा एरिया 4 पाई आर ए स्क्वायर एप्सिलॉन टी ए 4, सिग्मा 4 पाई आर बी स्क्वायर एप्सिलॉन टी बी 4, ये हो गया, एप्सिलॉन कट गया। अब पावर का रेशियो क्या दिया है, बी इमिट, ए इमिट 10 पावर 4 टाइम्स पावर, तो 10 पावर 4 अगर बी की पावर जितनी है उसका 10 पावर 4 टाइम्स इमिट कर रहा है, आर ए कितना है 400 इंटू आर बी अपॉन आर बी का स्क्वायर, और हमें पता है कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो इसको उल्टा करके पावर फोर कर दो, तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या जाएगा 10 पावर 4 कटेगा, तो इधर क्या जाएगा 1/16 बराबर लैम्डा बी और लैम्डा ए की पावर 4, तो इससे लैम्डा ए बाई लैम्डा बी कितना हो जाएगा 2, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ का 2। कंफ्यूजन इसमें, आगे बढ़ते हैं अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर दिया हुआ है, इसमें आपको प्रेशर रीडिंग 90 और 50 दिया हुआ है 0 और 100 पे, तो जब 60 हो तो टेम्परेचर कितना होगा, देखो ऐसे करते हैं सी माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस 0, और इधर P माइनस पी वन अपॉन पी टू माइनस पी वन, वही लीनियर स्केल का वेरिएशन कर दिया यहाँ पे, तो सेंटीग्रेड में कितना था 60, नहीं टेम्परेचर पूछा है सेंटीग्रेड में, 100 माइनस 0 P कितना है 60, 50, 90 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा C बराबर 100 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 25, तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 25। और अगला आता है सिक्स क्वेश्चन, बच्चों अगला आता है सिक्स क्वेश्चन, इसमें आपको बोला है कि इलास्टिक बॉल को ड्रॉप किया गया हाइट 100 मीटर से ड्यू टू अर्थ 20% ऑफ एनर्जी इज लॉस, व्हाट हाइट विल इट राइज। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप हुआ है ना, तो यहाँ से वो शुरुआत में उसके पास एम जी एच था, उसका 20% लॉस चला गया, तो 20/100 इंटू एम जी एच ये लॉस हो गया, तो जब वो वापस पलटेगा तो कितने परसेंट एनर्जी से पलटेगा, ये तो लॉस में चला गया ना, तब तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी 80/100 mgh। ठीक है, इसका मतलब जो उसकी ऊंचाई होगी एंड में h डैश या mgh डैश वो कितनी होगी 80/100 mgh, mg से mg कटेगा तो h डैश कितना हो जाएगा 80/100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80। ओके तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आई होप आप लोगों ने इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और सारे कंसेप्ट आपने सीखे होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।